14th अक्टूबर लास्ट 24 आवर्स में साउथ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर रेस्ट ऑफ द एरिया में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हाइस्ट बारिश था कंधमाल डिस्ट्रिक्ट का दारिंगबाड़ी 50.0 मिलीमीटर, उसके बाद गंजाम डिस्ट्रिक्ट का गोपालपुर 32.6 मिलीमीटर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का चंद्रपुर 25.0 मिलीमीटर। अक्टूबर महीना में आज फर्स्ट अक्टूबर से आज 14th अक्टूबर तक टोटल रेनफॉल हुआ है 110.3 मिलीमीटर, स्वाभाविक समय तक होता है 68.0 मिलीमीटर, तो एक्सेस रेनफॉल हुआ है। आज हमारा ईस्टर्न इंडिया का कुछ पोर्शन से, मेनली बिहार एंड झारखंड का कुछ पोर्शन से साउथ वेस्ट मॉनसून विथड्रॉल हुआ है। कंडीशन अभी हमारा फेवरेबल हो रहा है। ईस्ट इंडिया का और भी कुछ पोर्शन से, इंक्लूडिंग उड़ीसा का कुछ पोर्शन से, साउथ ईस्ट मॉनसून अगला 3 दिन में विथड्रॉल का कंडीशन फेवरेबल हो रहा है। और अगला 5 दिन का अभी हमारा जो फोरकास्ट है, इसमें नेक्स्ट 24 आवर्स में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट जैसा केन्झर, मयूरभंज, ढेंकनाल, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी और नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश, और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश का चांसेस है। फिर कल बारिश का अमाउंट कम होने का चांसेस है। और भी इसमें ओनली साउथ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर रेस्ट ऑफ द एरिया में एक दो जगह करके बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है। 16-17 अक्टूबर में रेनफॉल और भी रेडियस होने का चांसेस है, इसमें केवल एक दो जगह करके ही रेनफॉल रहने का चांसेस है। 17th में भी मोस्टली एक दो जगह करके ही रेनफॉल रहेगा, साउथ कोस्टल में कुछ कुछ स्थानों पर हो सकता है। भुवनेश्वर सिटी में आज ऑलरेडी थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल हो रहा है, कल भी थंडरी एक्टिविटी का कुछ कुछ एरिया में पॉसिबिलिटी है।